काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं अपनी इंग्लिश वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, अपने कन्वर्सेशन पे कैसे वर्क कर रही हूँ। तो अगर आप भी चाहती हैं अपने इंग्लिश वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना, अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करना, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी काम की शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, इसलिए स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5 से 7 मिनट ही दीजिए। धीरे धीरे जब आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, तब आप टाइम को बढ़ा सकती हैं। जिस चैनल से मैं पढ़ रही हूँ वो है इंग्लिश लवर्स। इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप, इनके प्लेलिस्ट में जाइए और जो सबसे लास्ट प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी वीडियोस है उसमें क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके है, तो वहाँ से आप शुरुआत करिए। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। मैं क्या करती हूँ, अपने दिन की शुरुआत में ही, क्योंकि मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, तो दिन की शुरुआत में ही वीडियो को जब मैं स्पीड फास्ट कर लेती हूँ तो 3 से 4 मिनट में ही वीडियो ख़त्म हो जाती है। और इतनी तो इंग्लिश आती ही है कि जो अभी बेसिक वो स्टार्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ें हमें पता है, पर फिर भी वो सुनना ज़रूरी है। उसमें कुछ वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो मुझे नहीं पता होता है, उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और सुबह सुबह ये जो 5 मिनट मैं अपने इंग्लिश पे देती हूँ ना, इससे मुझे फ़ायदा ये होता है, पूरे दिन मैं काम करते करते सेंटेंस का वर्ड का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम 4 से 5 7 वर्ड ही होते हैं जो मैं अपनी कॉपी में लिखती हूँ। एक वीडियो में जितने वर्ड मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे नहीं आता है, उनको मैं लिख लेती हूँ और उनको पूरे दिन यूज़ कर लेती हूँ, तो वो सब चीज़ें मेरी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए, जिस भी चैनल से पढ़िए, बट उन पे ट्रस्ट करके और उनको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो सुबह सुबह आप 5 से 7 मिनट खुद पे देंगी ना, वो आप पूरे दिन 2 3 4 वर्ड्स रहेंगे, आप उनको रिविज़न कर सकती हैं, काम करते करते उनको यूज़ कर सकती हैं, तो इससे वर्ड आपको भूलते नहीं हैं और दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो अभी मैं ऐसे ही अपने इंग्लिश पे काम कर रही हूँ और धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी, कुछ और चैनल फॉलो करूँगी या फिर कोई और सोर्स लूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठंड की वजह से आजकल मेरी दिन की शुरुआत थोड़ी लेट होती है, ऑलमोस्ट 5 बजे, और सो के उठते ही सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 ग्लास गुनगुना पानी। ये जो रात भर मेरी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे हुए होते हैं उसको फ्लश आउट कर देता है। और फिर मैं लग जाती हूँ इंग्लिश वोकेबलरी पे, एक वीडियो देख लेती हूँ उसकी स्पीड फास्ट करके, और जितने भी उसमें वर्ड्स होते हैं 2 3 5 जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं GS पढ़ती हूँ, क्योंकि 11 फरवरी को मेरा पेपर है रिव्यू ऑफिसर का। आज मेरी बेटी जल्दी उठ गई थी 6 बजे ही, और अब मुझे लगना था घर के कामों पे। तो काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना गूगल और लगाती हूँ भक्ति भजन, उसके बाद घर के काम शुरू। से 7-8 घंटा मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ, नहाना धोना ये सब मेरा 1 घंटे में हो ही जाता है। मेरी बेटी नीचे ना उतरे अभी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है इस समय, तो इसलिए मैंने फ़ोन का नेट ऑफ कर दिया है और अल्फ़ाबेट्स लगा करके ये सब चीज़ें मैंने डाउनलोड कर रखी हैं पहले से ही, और तब मैंने उसको फ़ोन दिया है ताकि वो कुछ भी ना लगाए फ़ोन पे। आज हमको जाना था शनि मंदिर, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी, पहले बच्चों को रेडी कर दिया, अब खुद रेडी हो रही थी। और फ़ोन गलत है, बट कभी कभी मजबूरी में देना ही पड़ जाता है, क्योंकि इतनी सुबह अगर उसे मैं नीचे उतार दूंगी तो मैं अपने काम भी नहीं कर पाऊंगी और उसे भी ठंड लग जाएगी। ये है शनि मंदिर, तेलीबाग में है, तेलीबाग चौराहे पर ही है ये मंदिर। फिर शाम को मैं बाहर गई थी, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लाने थे, मैं पैदल ही गई थी। late 20s या 30s ये जो एज होती है ना, इसमें हमारे पास एनर्जी तो काफ़ी होती है जो हम अपने कामों में लगाते हैं और अपने काम को बेस्ट वे में करते हैं, पर इसी एज में हमारी बॉडी में चेंजेस भी काफ़ी होते हैं। और अगर हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, तो वही फिर हमें आगे उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि खुद को फिट एंड फाइन रखिए। आपके पास एनर्जी है, उसको अपने कामों में लगाइए, पर उसके साथ साथ अपने बॉडी का भी तो ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों ही। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।